यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन ऑन टाइम है। मैं हूँ अक्षय कुवस्ती। तो मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ जो आपके लिए हेल्प होगा कि जब भी आपको, अगर आप नया कोई अपार्टमेंट बैंगलोर में लेते हैं और आपको उसके बाद होता क्या है कि जब भी कोई बिल्डर अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट करता है तो उसका वो अपने नाम पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले लेता है। जब आपका मीस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको ये चेंज करना आना पड़ेगा। तो आप अगर किसी कंसल्टेंट से जाएंगे थर्ड पार्टी से तो वो अराउंड 2,000 रुपये चार्ज करते हैं। तो मैं आपको सिंपल प्रोसेस बताता हूँ। आप ये काम सब टोटल एक्सपेंसिव जो होगा वो मीन्स 800 रुपये होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटे का काम होगा। मीन्स जहाँ भी इनका बेस कॉम का ऑफिस है वहाँ आने पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। और बेस कॉम, मैं वहाँ पे बेस कॉम ऑफिस में विजिट करा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। सैटरडे को उनका ऑफ रहता है तो सैटरडे को जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जब भी वीकडेज में टाइम निकाल के वहाँ जा सकते हैं। और मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। मैंने कुछ वीडियो देखे थे उस हिसाब से मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा था। इनकी वेबसाइट्स पे जाके यहाँ से मैंने अपने आप को रजिस्टर करा, और मतलब वो जो हमारा बिल आईडी होता है उससे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये है, मैं ये इसका लिंक मैं आपको उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाके क्लिक करके, यहाँ वैसे क्लिक करके आप इस पर नेविगेट कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि मेरे साथ हुआ, मैंने सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे यहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस भी पे कर दी, सब कुछ पे कर दिया था, फिर भी जाके उन्होंने वहाँ पे हमसे फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट मांगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप रजिस्टर करो ना करो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो 13 मार्च 2022 को बना रहा हूँ। तो और मैंने अभी 15 डेज पहले ही रिक्वेस्ट यहाँ पे रजिस्टर करके मैं गया था, तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन में आपको देने का कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर आपको नेम चेंज कराना है तो आप डायरेक्ट यहाँ डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो लेके आ जाओ, और बस विद इन 15 मिनट, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं, इसलिए मैं बस केस में 2 घंटे लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो वहाँ 20 मिनट ही लगे और मेरा सब काम हो गया, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी थे। तो जो क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो मैं बताता हूँ। आप अपना इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट ले लो, आपके पास आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवर उसकी फ़ोटो कापी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए जो लास्ट जनरेट हुआ है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC चाहिए आपके बिल्डर के साइड से, सेल्स एंड डीड के सारे पन्नों की कॉपी चाहिए, मीन्स एक फ़ोटो कापी चाहिए इसका, और ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ना ये ओरिजिनल आप लेके जाएं, ये ओरिजिनल इसकी फ़ोटो कापी नहीं, ये ओरिजिनल चाहिए। एंड आपको रीसेंट प्रॉपर्टी टैक्स या खाता ट्रांसफ़र, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हैं, खाता ट्रांसफ़र का डॉक्यूमेंट एंड रिक्वेस्ट लेटर। रिक्वेस्ट लेटर का मतलब एक फॉर्म है वो आप डाउनलोड वो वहाँ पे देंगे उसको भर के देना है, पावर सप्लाई इंटीग्रिटी बॉन्ड। सो ये मैं तो लेके नहीं गया था, उन्होंने हमसे इसके 300 रुपये लिए, और मैंने जो फ़ीस थी वो ऑनलाइन पे कर दी थी कुछ 118 रुपीज़, क्योंकि मैंने ऑनलाइन, मेरे को लगा कि ऑनलाइन करने से जो, लेकिन ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट जाके भी वहाँ पे कर सकते हैं। मेरा जो टोटल एक्सपेंसिव हुआ वो 800, उसमें 300 मतलब फ़ोटो कापी में, क्योंकि बहुत सारे पेज थे, ये 40-50 पेज थे सेल एंड डीड के, तो उन्होंने 5 रुपये पर कॉपी लगाया, तो ये करीब मैंने सारे डॉक्यूमेंट फ़ोटो कापी वहीं पे कराए, तो उन्होंने करीब 300 रुपये उसके हुए, और ये बॉन्ड का उन्होंने मेरे से 300 रुपये लिए और 118 रुपये फीस। तो 300, 300, 600, 118 कुछ 800 रुपीज़ सारा खर्चा आया था। तो ये आप नोट, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में ये सब डाल दूँगा, लेकिन फिर भी आप ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, और इनकी सब केवल आपको जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको बिल्डर देगा उसकी कॉपी आपको लेके जानी है, और जो ये फॉर्म है वो खुद ही देंगे, जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर्म, तो वो खुद ही देंगे, वो आपको भरना होगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आप रखो, ये आपको डॉक्यूमेंट फोड़ो, और आप वहाँ पर जाके आपको 15 मिनट ही करना है बस, और आपका तो आप पैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस वेबसाइट पे जाके सिंपली आप रजिस्टर कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करा हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आप जाके खुद रजिस्टर कर सकते हो। और यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे जाके नेम चेंज रिक्वेस्ट करोगे आप, यहाँ पे ओल्ड जो आपके बिल में आपकी अकाउंट आईडी है जिससे आप कहीं भी बिल पे करते हो, वो ये अकाउंट आईडी यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो चेंज रिक्वेस्ट, और
जो भी डॉक्यूमेंट ये है ना, ये आपको ऑनलाइन सबमिट करने का ऑप्शन देगा, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो बेटर है कि आप ऑनलाइन ना रजिस्टर करके सीधा जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ वो लेके आप फॉर्म में, और वो आपका ये काम कर देंगे। तो ये मैं सारी जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है मैं वीडियो में दे दूँगा, और आप जाके ये मतलब अपना नाम चेंज करा सकते हैं। धन्यवाद।